मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल से लोकसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने एक दिलचस्प बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार लोगों से डरते हैं और वो लोग हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खुद दिग्विजय सिंह। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के तीनों दिग्गज नेताओं के बाद दिग्विजय सिंह ने खुद का नाम क्यों नहीं लिया। उनके नाम में से भी प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की पूरी टीम भोपाल में सक्रिय हो जाएगी और यहाँ पर डेरा डालेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनका सबसे बड़ा कांटा दिग्विजय सिंह है। क्या वजह है कि दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी। सवाल इस बात का भी है कि ऐसा कहकर दिग्विजय सिंह ने अपने आप को न केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बराबर खड़ा कर लिया है, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे डाली है। यदि दिग्विजय सिंह की स्थिति देखी जाए तो उनकी बात में सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बेबाक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया है, उसके बाद से वे पूरे देश में चर्चा का विषय तो बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि वे जमीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के बाद तो वो बहुत कुछ जीत का सहरा उनके सर पर भी बन रहा है। अब जिस ढंग से उन्होंने भोपाल में अपनी चुनावी उम्मीदवारी घोषित की है, उससे स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में आने वाला समय न केवल कांग्रेस के लिए अच्छा है, बल्कि दिग्विजय सिंह के लिए भी बहुत अच्छा है। दिग्विजय सिंह की एक और विशेषता ये है कि वे सीधे सीधे आरोप लगाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि नोटबंदी के नाम पर भाजपा नेताओं ने कमीशन खाया और ये बात एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान भी सामने आई है। अगर हिम्मत है तो कोई उनके खिलाफ कोर्ट चला जाए। वे तथ्यों के साथ आरोप लगाते हैं, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज रहती है। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह ने यह बयान देकर तो स्पष्ट ही कर दिया है कि वे देश की राजनीति में उथल पुथल मचाने की क्षमता आज भी रखते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.